भारत पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, और ये खतरा है खालिस्तानियों का। दरअसल भारत पर इस समय चारों देशों से एक साथ हमला किया गया है। ये चारों देश हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये देश भारत को तोड़ने के लिए खालिस्तानियों को फंडिंग देकर उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिशों में जुटे हैं। ये खालिस्तानी ताकतें न केवल भारत को तबाह करना चाहती है बल्कि हिंदू और सिखों के बीच में भी तनाव पैदा करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तानी हिंदुओं और भारत सरकार के खिलाफ जमकर सामने आ रहे हैं। भारत को खालिस्तान की आग में झोंकने के लिए सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान ने खड़ा किया है और पूरी दुनिया में इसे पाला पोसा है। आज कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों में खालिस्तान के नाम पर जो भी उपद्रव हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया जा रहा है। खुद पाकिस्तान के कई बड़े डिफेंस एक्सपर्ट स्वीकार कर चुके हैं कि खालिस्तान मूवमेंट के पीछे उन्हीं का हाथ है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर इन दिनों लगातार हमले किए जा रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक जनमत संग्रह करवा रहे हैं। भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान इस मुद्दे को भी उठाया था, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास खालिस्तानी झंडे देखे गए, जिसे देखकर हर कोई दंग है। इस हरकत के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार सिर्फ कार्रवाई की बातें ही करती रह गई। वहीं अगर ब्रिटेन और कनाडा की बात करें तो वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया जैसा हाल खालिस्तानी कर रहे हैं। कनाडा को तो दुनिया में खालिस्तानियों का अड्डा माना जाता है। हाल ही में कनाडा में खालिस्तानियों ने यहां के राम मंदिर पर भी हमला किया था। लेकिन इससे भी ज्यादा गंदा खेल पड़ोसी देश पाकिस्तान खेल रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो चुके खालिस्तान को दोबारा से जिंदा करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब खालिस्तानियों को लेकर उठ रही मांग के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान के वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट और पाकिस्तानी सेना में गहरी पेट रखने वाले जैद हामिद ने कैमरे के सामने बताया कि हाँ, हमने भारत को नीचा दिखाने के लिए खालिस्तान आंदोलन को खड़ा किया था। पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के एक ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए इस पुराने वीडियो में जैद हामिद कहते हैं कि भारत से 1971 की जंग का बदला लेने के लिए ही खालिस्तानियों को फिर से खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान आज खुलेआम दुनिया के सामने खालिस्तानियों की फंडिंग कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगाल पाकिस्तान जो अपना देश चलाने के लिए विदेशों से पैसा लेता है, इसी का बड़ा हिस्सा वह इन खालिस्तानियों पर लगाता है। वहीं पंजाब में खालिस्तान आंदोलन से जुड़े लोगों की गतिविधियां चिंताजनक तरीके से बढ़ रही हैं। तमाम खुफिया रिपोर्ट्स इस बात का संकेत कर रही हैं कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़े लोग अलग अलग देशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में हैं। लेकिन पंजाब के CM भगवंत मान कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन को संचालित कर रहे अमृतपाल सिंह पंजाब को एक अलग देश बनाने तक की मांग कर रहे हैं और ये सब कुछ पूरी दुनिया की नजरों के सामने किया जा रहा है। इसी बीच कई लोग अमृत की तुलना भिंडरांवाले से कर रहे हैं और ऐसे में ये भारत के लिए एक जंग बन गया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहे।